अगर आप हिंदी उर्दू में एक फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में हम merv.ai के अंदर जितनी भी हिंदी उर्दू वॉइसेज हैं उनको ट्राई करेंगे, उनको सुनेंगे। सो सबसे पहले हमने यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ ऑडियो वीडियो, ये नीचे भी कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करें कोई इशू नहीं। अगर आपने कोई ऑडियो ऐड बनाना है, कोई प्रोमो टाइप बनाना है तो आप ऑडियो ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा ऑडियो बुक के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, आर्टिकल एंड ब्लॉग्स, ये आप सारी चीज़ें अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो सिंपल किसी पे भी आप सेलेक्ट करें तो कोई इशू नहीं होगा। सो आगे जाके भी इसको चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, उसके बाद जब आप हिंदी या उर्दू में अपना वॉइस ओवर जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट पेस्ट करना होगा। सो यहाँ पे हमने क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे जाके आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ हिंदी पे जाना है, और यहाँ आपके पास merv.ai के अंदर आपके पास टोटल 5 जो वॉइसेज हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, 2 मेल और 3 जो हैं वो फीमेल्स हैं। सो हम इनको 1 by 1 इनको ट्राई करते हैं, इनको सुनते हैं और उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये आपके लिए बेस्ट है या नहीं। सो सबसे पहले हम ये देव मेल वॉइस से इसको सुनते हैं। नमस्ते, मैं हूँ देव। मैं मर्व स्टूडियो में परिपक्व हिंदी बोलने वाली आवाजों में से हूँ। मैं अपनी शैली को संवादात्मक और मिलनसार रखना पसंद करता हूँ। मेरे लिए अपने दर्शकों के साथ जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी परियोजना का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अनुभवी आवाज की तलाश कर रहे हैं तो मुझे अपनी आवाज देने में खुशी होगी। आप वॉयस स्टाइलिंग सुविधाओं का उपयोग करके मेरी आवाज को भी अनुकूलित कर सकते हैं। ओके जी, तो उसके बाद नेक्स्ट फीमेल जया नाम से है। नमस्ते, मैं जया एक मिलनसार हिंदी बोलने वाली आवाज हूँ। मेरी शैली सरल और संवादी है। यदि आप अपनी परियोजना या व्यवसाय के लिए एक मधुर आवाज की तलाश कर रहे हैं तो मेरी आवाज सही बैठेगी। मैं आपकी जरूरत के अनुसार विभिन्न तरीकों से बोल सकती हूँ। उसके बाद जी थर्ड पे नैना, ये अगेन फीमेल। नमस्ते, मेरा नाम है नैना। मैं मर्फ स्टूडियो के हिंदी बोलने वाली आवाजों में से एक हूँ, जिसे प्रोफेशनल होने के लिए जाना जाता है। यदि आप किसी ऐसी आवाज की तलाश कर रहे हैं जो आपके विचारों की व्याख्या कर सके, आपके व्यवसाय का परिचय दे सके या प्रस्तुतियां भी सुना सके तो मर्फ स्टूडियो में मेरी आवाज को आजमाएं। नंबर 4th अनन्या, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हाय, मैं अनन्या, मर्फ में सबसे परिपक्व हिंदी आवाजों में से एक हूँ। मेरी आवाज बहुत बहुमुखी है। मैं स्टूडियो के अंदर बहुत सारे वॉइस स्टाइलिंग ऑप्शंस ऑफर करती हूँ। मर्फ स्टूडियो में मेरी आवाज को जरूर ट्राई करें। उसके बाद जी लास्ट नंबर 5 नील, ये मेल वॉइस है, इसको भी ट्राई करते हैं। हेलो, मेरा नाम नील है। मैं भारत से हूँ और अपनी प्रोफेशनल हिंदी के लिए जाना जाता हूँ। मेरी खासियत है मेरी स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज। अगर आप अपने बिजनेस या प्रेजेंटेशन के लिए एक प्रोफेशनल आवाज की तलाश में हैं, मर्फ स्टूडियो में मेरी आवाज को एक बार जरूर ट्राई करें। सो इसके अलावा अगर आपने मर्फ का रिव्यू और उसके फीचर सारे आपने कैसे यूज करने, हर चीज को कैसे यूज करके अपना जो वॉइस ओवर है वो जनरेट करना है, सो उसका लिंक यहाँ ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ लेफ्ट राइट आपको शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और किसी AI टूल पे अगर कोई आप वीडियो चाहते हैं कि मुझे बनानी चाहिए सो हम इंशाल्लाह उस पर भी बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।